बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज हम बात करेंगे खिदमत कार्ड के हवाले से कि खिदमत कार्ड की क्या अपडेट है, कि पैसे कब मिलेंगे और कितने मिलेंगे। सबसे पहले दुरूद शरीफ सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। जी दोस्तों, हम बात कर रहे थे खिदमत कार्ड के हवाले से, मजदूर अफराद के हवाले से, जो मजदूर अफराद हैं और उन्हें खिदमत कार्ड दिया था और उन्हें पैसे मिलते थे। और हम अब बात करेंगे वसीला तालीम के हवाले से, ज़ेवर तालीम प्रोग्राम के हवाले से, जो हमारी बच्चे स्कूल में पढ़ती हैं 9th और 10th क्लास में, उन्हें भी कार्ड दिया गया था, वो भी वजीफा हासिल करते थे। और आपको बताता चलूँ कि ये सिस्टम जरा अपडेट होने जा रहा था। पहले एक्सपिल बैंक दे दीजिए पेमेंट, अब ये पेमेंट आपको मिलेगी वो यूबीएल बैंक की तरफ से दी जाएगी, क्योंकि आप वर्किंग डे शुरू होने जा रहे हैं। कल से इंशाल्लाह वर्किंग डे शुरू हो जाएंगे, बैंक वगैरह ओपन हो जाएंगे, ये सिस्टम जारी हो जाएगा। जो काम जारी हो चुका है, मज़ीद जो काम बाकी रहेगा वो मुकम्मल होने के साथ आपको ये पैसे मिलेंगे। और क्या तरीकाकार होगा और अकाउंट किस तरह ओपन होगी, क्योंकि दोस्त आप जानते हैं कि पहले सिस्टम ओके होता था, आप चेक करवा सकते थे, अपना मालूमात हासिल कर सकते थे कि हमारी पेमेंट आई हो या नहीं, आपका अकाउंट कैसे जा रहा है, अकाउंट एक्टिव है या ब्लॉक है या क्या मसला है, कि सारी सारी तफसील आपको मालूम हो जाती थी। अब जो सिस्टम थी क्लोज कर दिया गया था, बंद कर दिया गया था। अब जो छुट्टियों के बाद इंशाल्लाह दोबारा ओपन होगा, इंशाल्लाह आपको ये पैसे वगैरह जो होंगे आपको ज़रूर मिलेंगे। आपको इंशाल्लाह जो अपडेट होगी मज़ीद हम आपके साथ भी शेयर करेंगे, क्योंकि इस हवाले से काफ़ी सारे दोस्त सवाल पूछ रहे थे। और अगर आप जानना चाहते हैं कि आप इस प्रोग्राम में अहल हैं या नहीं, आप मजदूर अफराद हैं और जानना चाहते हैं कि हमें पैसे मिलेंगे या नहीं, बाहिम्मत बुजुर्ग प्रोग्राम से अगर आप ताल्लुक हैं, बड़ी उम्र वाले हैं, और अगर आप जानना चाहते हैं कि ज़ेवर तालीम में बच्चों के पैसे भी मिलेंगे या नहीं मिलेंगे, आपको नीचे लिंक मिल जाएगा, वहाँ जाकर आप अपना स्टेटस चेक कर सकते हैं। मैंने आपको समझाया भी है, ये सारा का सारा तरीक़ाकार है, यहाँ इस तरीके से आप अमल करके अपना मालूमात हासिल कर सकेंगे, बेनज़ीर प्रोग्राम के हवाले से जान सकेंगे। इस तरह की मज़ीद इंफॉर्मेशन वीडियो हासिल करने के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। इंशाल्लाह जो न्यू वीडियो होगी इंशाल्लाह आपके साथ ज़रूर शेयर करेंगे। हमारा जो ब्लॉग है आज की बात 5, उस पर भी आप काफ़ी सारी मालूमात हासिल कर सकते हैं। हम कदम प्रोग्राम के बारे में जानिए, हम कदम प्रोग्राम के बारे में जानिए, इस पर आपने क्लिक करना है, तभी आप जान सकेंगे। मैं अभी आपको बताऊंगा क्या तरीक़ाकार होगा। जी दोस्तों, आपने यहाँ क्लिक करना है, यह आपको उस वेबसाइट पर ले जाएगा जहाँ आपने चेक करना है। पंजाब सोशल प्रोटेक्शन अथॉरिटी की जो वेबसाइट है उस पर आप कर सकते हैं। इस तरह ये पेज आएगा, यहाँ आपने शनासी कार्ड नंबर लिखना है, चला जाना है। जी दोस्तों, यहाँ आपने अपना शनासी कार्ड नंबर लिखना है। जी दोस्तों, हम लिखते हैं अपना शनासी कार्ड नंबर। जी दोस्तों, ये हमने शनासी कार्ड लिया, अब हमने कोड लिखना है, तस्वीर में दिया गया कोड लिखना है, ये बताया जा रहा है 105। अब हमने तलाश करना है, यह हमें सारी की सारी तफसील बताएगा। ये बता रहा है कि आपका शनासी कार्ड नंबर हमारे रिकॉर्ड में नहीं है, बराह करम आप इन इन प्रोग्राम में अहल या नहीं, बाहिम्मत बुजुर्ग प्रोग्राम के हवाले से, ज़ेवर तालीम के हवाले से, हम कदम प्रोग्राम के हवाले, आपकी अहलियत का रिकॉर्ड मौजूद नहीं, यानी कि सारे के सारे आपको बताएगा प्रोग्राम। इस तरह आप अपना शनासी कार्ड चेक कर सकते हैं, बहुत ही आसान तरीक़ाकार है। मैं इस तरह की मज़ीद इंफॉर्मेशन वीडियो के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। अल्लाह ताला आपको दुनिया में बुलाएँ, ताफर में तरक्या, ताफर में। जी दोस्तों, अब आपको बताता चलूँ मिसवाक सुन्नत के हवाले से, कि इसको ज़रूर इस्तेमाल कीजिएगा, ये एक सवाब का सवाब भी है और इसमें बहुत सारे फ़ज़ाइल भी हैं, और इसकी बहुत साइंस के हवाले से और सेहत के हवाले से भी काफ़ी सारे फ़ायदे हैं। तो आप मिसवाक करना ना भूलिएगा, बहुत ही आसान कीमत में हमें मिल सकती है। तो एक बुज़ुर्ग आप वाक़ सुनतने का वक्त है या नमाज के वक्त, तो उन्होंने एक दिरहम में एक मिसवाक ख़रीद ली, यानी एक सोने का सिक्का देकर वो अपनी मिसवाक हासिल की। तो पूछा गया आपने इतनी रकम क्यों खर्च की और एक मिसवाक की खातिर, उन्होंने फरमाया कि अल्लाह ताला ने मुझे ये पूछ लिया कि तुमने सुन्नत पर अमल करना क्यों तर्क कर दिया, माल दौलत तो ये मच्छर के पर के बराबर भी नहीं। जी दोस्तों, हम भी कोशिश किया करें कि नमाजों क्या क्या है, जब भी टाइम आए तो मिसवाक करना ना भूलेगा, इस मिसवाक को ज़रूर हासिल कीजिए, इंशाल्लाह दुनिया की भलाएँ हासिल होगी, इनशाला बरकतें आगी होंगी, आप खुद ही इसका नतीजा देखेंगे, इसका खुद ही फ़ायदे देखेंगे, खुद ही इन आपको बेहतरीन महसूस होगी जब इंशाल्लाह मिसवाक पर अमल करेंगे। अल्लाह ताला हमें अमल करने की तौफीक अता फरमाए, दुनिया में बुलाएँ ताफरमाए, खुशियाँ ताफरमाए। अस्सलामु अलैकुम।